everyone, after a very very long time, I decided to take up this challenge of I try the cheapest things. Honestly, ये series ना मेरा favorite हुआ करता था. Last year के vlogs में तो मैंने इतने सारे websites try करे थे. So now I have to bring it back. Like it is like a resolution only कि I want to bring the series back. So I thought of starting with I try the cheapest sportswear that I can find online. That is because आजकल मैं gym काफी जाती हूँ and gym OOTD ना अपना बहुत सही चल रहा है Instagram पे. Every time I post like an OOTD, इतने सारे messages आता है कि बहुत motivation मिलता है और post करो and it's a good outfit करके. तो इट इज़ मोटिवेटिंग मी कि और यूनिक आउटफिट्स बनाने और अच्छे आउटफिट्स बनाने हैं. सो आई थॉट कि पैसे सेव करके बनाने की इच्छा है एंड प्लस ये सीरीज तो करना ही था. वेयर फॉर वन फुल वीक वी डू हॉल्स पे हॉल्स हॉल्स पे हॉल्स. सो वेलकम टू दिस सीरीज एंड अलॉन्ग विद दैट आई गिव द डिस्क्लेमर दैट इन नो वे आई एम ट्राइंग टू शो ऑफ फॉर दिस सीरीज. आई जस्ट लव डूइंग हॉल्स एंड लव वॉचिंग देम बिफोर आई वॉज अ यूट्यूबर. दैट्स व्हाई आई कीप मेकिंग सो मेनी ऑफ देम एंड लेट्स बिगिन. तो जब स्पोर्ट्स वेयर की बात आई तभी आई वेंट टू अ टिपिकल पोर्टल्स लाइक मिंत्रा जबोंग वहाँ सब पे तो प्राइस लो टू हाई सॉर्ट करके मिला. बट माय जेम ऑफ अ फाइंड वाज कूव्स. कूव्स के साथ यार हमें बीच में इशू आ था कि ऑर्डर प्लेस कर दिया था लाइक पे भी कर दिया लेकिन सामान टाइम पे नहीं आ रहा था. इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज मैंने कूव्स पर काफ़ी ऑर्डर प्लेस किए वो इशू के बाद एंड सब कुछ टाइम पे आ रहा है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है एक्सेप्ट वन स्मॉल इशू व्हिच आई टेल यू लेटर. तो कूव्स का एक इन हाउस ब्रांड है कॉल्ड के एक्टिव. आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर कूव्स एक्टिव. बहुत ही सस्ते कपड़े हैं बिकॉज वो काफ़ी टाइम डिस्काउंट पे ही रहता है. You are getting like good fancy tops for as low as 240 rupees. यार बैंड्रा वगैरह में मैंने इतने सस्ते इतने अच्छे टॉप्स नहीं देखे इसलिए आई वॉज एक्साइटेड एंड मुझे ये ट्राई करना था. सो दिस इज लाइक अ हॉल प्लस रिव्यू ऑफ के एक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज द टॉप दैट आई एम वेयरिंग. ये मैंने एक्चुअली कुमार के बर्थडे में भी पहना था. यू विल सी कि खो खो और लगोरी खेलते वक्त दिस इज व्हाट आई वाज वेयरिंग अलॉन्ग विद अ जैकेट. ये टॉप में ना ये साइड पर एक ऐसा स्ट्रैप है एंड दैट इज माई प्रॉब्लम विद दिस टॉप की इससे थोड़ा लूज है तो ये कभी कभी यहाँ ऐसे गिर जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये साइड है उधर इलास्टिक जैसा है ना तो इट फिट्स वेल. इन द पिक्चर इट लुक्स लाइक दिस बट दैट्स माई इशू विद द मॉडल्स कि अगर ये स्पोर्ट्स के टॉप्स इसमें कुछ पैडिंग नहीं है, कुछ पैड डालने के लिए जगह भी नहीं है और इनबिल्ट पैडिंग भी नहीं है. तो अगर ये स्पोर्ट्स के लिए टॉप है तो हाउ डू आई वेयर इट विद दिस निपल कवर्स या स्ट्रैपलेस ब्राउज के साथ. नहीं पहन सकते, यू हैव टू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा इनसाइड. इसलिए मैंने ट्राई ऑन करते वक्त आपको स्पोर्ट्स ब्रा के साथ ही बताया सो दैट आपको रियलिस्टिकली मालूम पड़े कि ये कैसा दिखेगा. सेकेंड टॉप विच आई फाउंड वॉज दिस टॉप. ये एक्चुअली थोड़ा बिकीनी जैसा लगता है नहीं लाइक द नियॉन पाइपिंग एंड द जिप एंड ऑल. ये जिप इज फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड वाई के के. आई डोंट नो अबाउट यू, टेल मी इफ यू डू द सेम थिंग. बट आई लव टू सिट डाउन एंड ऑब्जर्व कि बटन कौन से ब्रांड का है. अगर ज़ारा की जीन्स लिए तो उस पर ज़ारा लिखा है कि नहीं बटन पे. तो मुझे जिप देखना भी बहुत पसंद है. आई साउंड सो बोरिंग बट आई लाइक डूइंग दैट यार. तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के कपड़ों पर ना वाई के के लिखा हुआ होता है. सो आई वॉन्ट टू नो कि इज वाई के के लाइक द बिगेस्ट जिप मैन्युफैक्चरर, बिगेस्ट जिप सप्लायर. एंड वाई के के जिप्स जब भी मैंने कोई कपड़े में देखे ना देव एक्चुअली लाइक टिकते हैं, जल्दी से टूटते और ख़राब नहीं होते. तो और क्या इसके स्ट्रैप्स एडजस्टेबल है. इतने सस्ते टॉप में एडजस्टेबल स्ट्रैप्स इज mind blowing. So I like that. One thing that I'm confused about is if I like the material. Material ना थोड़ा swimsuit जैसा है like stretchy है ऐसा. Polyester is the wrong word. Basically cottony feel नहीं है इसका and I personally like cottony feel ज़्यादा. But apart from that it's a good top, definitely worth the money. ऐसे tops तो actually I think you can easily wear outside also with denim and all. Okay, third top is kind of like the best top of this whole video. It is this top. So why I like this top is ki ye fancy to hai, like iska back aisa hai jo thoda sa mesh detailing hai and fir criss cross hai. This is what it looks like on the website. But aage se pura covered hai. To iske andar sports bra bhi pehante hai na to bhi the real look of the top remains the same. So this one is good. It's great. That's the night.
one in the picture. It's a very nude color top. And oh my god, I regret buying it so much. This is one thing I've learned, ki do not buy aise color ke tops because they genuinely look like ki humne kuch nahi pehna. If you're comfortable with nude colors, definitely go for it. But personally, I feel very uncomfortable jab mujhe maloom hai ki the color that I'm wearing looks like I'm not wearing anything. So jab bhi main aisa kuch pehen ke kabhi bhi bahar gayi hu, main conscious ho jati hu ki क्या लोग मुझे घूर रहे हैं, डू दे थिंक आई लुक ऑकवर्ड और समथिंग. सो आई डू नॉट लाइक दिस. इवन तो मैंने इसके अंदर एक ब्लैक स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है, फिर भी इट इज़ स्टिल वॉशिंग मी आउट एंड स्किन टोन से एक सरी का मैच हो रहा है. सो ये टॉप मेरे को नहीं पसंद आया. अनदर कंप्लेन आई हैव इट दिस इज़ कि इसमें मैश पार्ट क्यों है, बिकॉज यू हैव टू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा इन साइड. तो स्पोर्ट्स ब्रा तो दिख ही रहा है, तो मैश टॉप काइंड ऑफ लाइक मैश जो पार्ट है वो काइंड ऑफ फेल ही लगा. सो दिस टॉप आई डोंट रेकमेंड दिस टॉप. अभी तक ऑलरेडी मैंने दो टॉप को मेरा फेवरेट बोल दिया है, बट दिस टॉप ऑल्सो कम्स इन द फेवरेट कैटेगरी. सो टेक्निकली आई हैव माई टॉप थ्री फेवरेट्स, सो दिस इज द फाइनल थर्ड वन. द रीजन वाई लाइक दिस, यू गेस्ड इट, इसका मटीरियल, ओ माई गॉड, इसका मटीरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना कि इट मेड द होल टॉप वर्थ इट. नॉट जस्ट दैट, लुक एट द बैक, इट लुक्स सो गुड. सिर्फ एक पट्टी है, तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हाउ डू वी वेयर जस्ट दिस. इसमें तो कुछ सपोर्ट नहीं है, तो अगेन आई वोट दिस विद स्पोर्ट्स ब्रा ओनली टू गिव यू अ रियलिस्टिक आइडिया, बट दिस वन इज टोटली वर्थ द मनी. लाइक ये वीडियो देख के अगर आपको एक चीज लेने का मन करे ना, डेफिनेटली दिस इज द वन, दिस टॉप. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ गुड वन बिकॉज ये भी अब वो ग्रे कलर के जैसे पूरी तरह से कवर्ड है. सो दिस स्टिल मेंटेन्स द लुक एंड एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी फैशनेबल. इसमें पीछे मेश डिटेल है जो इसमें इट मेक्स सेंस बिकॉज इट डज लुक गुड. वन छोटा सा कंसर्न आई हैव इज आई डोंट नो हाउ गुड दिस लुक्स. इट डज लुक स्पोर्टी बट एट द सेम टाइम इसका मटीरियल मुझे वापस स्विम सूट जैसा लग रहा है. बट अगर आपको एजी स्पोर्ट्स वेयर ट्राई करना है, समथिंग विच विल कैच अटेंशन, this will look good. That's the never ending quest of my life, and the ghosts are always anxious behind. I'm breathing in my neck, don't know what. Second last stop is this one jisme mujhe wo concern aaya. You know why? मैंने मेरे सारे के सारे टॉप्स ऑर्डर किए थे साइज मीडियम में, अभी मुझे मीडियम आता है एंड ये आया स्मॉल. तो आई थॉट कि क्या मैंने गलती से एक स्मॉल ऑर्डर किया था. तो आई वेंट थ्रू माय होल ऑर्डर हिस्ट्री, आई चेक द साइज एंड आई हैड ऑर्डर्ड अ मीडियम. तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सचेंज एंड एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया एंड आई सेड कि सी आई हैड ऑर्डर्ड मीडियम, आपने स्मॉल भेजा है, तो कैन यू फिक्स दिस फॉर मी. तो फर्स्ट दे सेड नो कि एक्सचेंज इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपने सेल में लिया है ये पर्टिकुलर सेल, एटलीस्ट वो पर्टिकुलर में तो एक्सचेंज नहीं था, लाइक यू कांट रिटर्न, यू कांट एक्सचेंज. देन आई सेड कि पर मैंने तो करेक्ट ऑर्डर किया था, यू सेंड मी द रॉन्ग वन. तो दे सेड कि ओके लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, एंड देन दे सेड कि आप ईमेल लिखो, फोटोज भेजो, स्क्रीनशॉट्स अटैच करो. तो आई डिडंट डू इट यार, आई वॉज जस्ट सो बॉदर्ड कि एक तो मेरा गलती भी नहीं, देन यू वॉन्ट मी टू राइट अ फुल ईमेल एंड अटैच पिक्चर्स एंड ऑल. तो आई वॉज जस्ट लाइक छोड़ो जाने दो, आई ट्राई टू मेक इट वर्क. तो अभी फिट तो आ रहा है फिलहाल बिकॉज इसके स्ट्रैप्स एडजस्टेबल है एंड इट्स अ गुड टॉप. अगेन दिस लुक्स मोर लाइक अ बिकिनी वाइब, बट दिस इज टोटली समथिंग जो डेनिम के साथ भी अच्छा लगेगा. एंड द लास्ट टॉप इज दिस एकदम ट्रॉपिकल प्रिंट वाला, इस पे फ्लावर्स है, लीव्स है एंड इसका एक जो स्ट्रैप है ना उसमें तीन स्ट्रैप्स है.
बहुत ही खराब तरीका था एक्सप्लेन करने का, बट बेसिकली द वन शोल्डर इज डिवाइडेड इनटू थ्री लिटिल स्ट्रैप्स. अच्छा है, बट अगेन इसमें मुझे थोड़ा सा वही इशू था कि इट्स अ वेरी लाइट कलर, तो शायद ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं पहना, बट स्टिल इट्स अ यूनिक पैटर्न एंड बिकॉज ये वाले स्ट्रैप्स भी इलास्टिक ही है ना, तो दे आर सिटिंग वेल ऑन द बॉडी, सो दिस वॉज ऑल्सो गुड फाइंड, गुड परचेज. Here's my final thoughts on K-Active. I think इनके designs actually काफ़ी अच्छे हैं because जो unique patterns वाले tops से offer कर रहे हैं ना ये प्राइस में, I have not seen that anywhere else. अगर आप सस्ता स्पोर्ट्स वेयर लेने जाओगे ना तो आपको मैक्सिमम गंजीज ही मिलते हैं या सादे से कॉटन टी शर्ट मिलते हैं, बट दिस फैंसी डिज़ाइंस, इतने एजी कपड़े आई हैव फाउंड ओनली हेयर, सो फॉर दैट आई गिव देम अ प्लस पॉइंट. वेयर आई वुड लाइक टू कट पॉइंट्स इज द मटीरियल. आई थिंक द मटीरियल कैन डेफिनेटली बी बेटर, बहुत स्विम सूट जैसा लगता है, बट द रीजन आई गिव दिस एन ओवरऑल थम्स अप इज बिकॉज ये इतने फैशनेबल है. You can wear a high-waisted pair of pants and you can actually wear this like a normal top and go out. So, gym mein to sports bra ke saath hi pehenna, but agar aap kabhi bahar ja rahe ho friends ke saath ya koi date pe ya koi trip pe, and agar aapko aise kapde pasand hai in general jo thode open ho aur aise fancy ho, to aap definitely ek strapless bra ke saath inko style kar sakte ho. So, because isko itne sare alag tarike mein pehen sakte hai and because this is so cheap, that's why I think K-Active is a very very good find. I'll link all of these down below, और अगर कुछ आउट ऑफ स्टॉक है तो उसके बदले में मैं कुछ और अच्छा सा रिकमेंड कर दूंगी नीचे. सो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस एंड मी ट्राइंग द चीपेस्ट स्पोर्ट्स वेयर आई कुड फाइंड ऑनलाइन, देन आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड सब्सक्राइब करना बिकॉज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय.